तो गाइस फाइनली मैंने सर्विस सेंटर पे गया था और सर्विस सेंटर पे जाने के बाद मेरा जो बाइक का जो भी प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर सलूशन हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ फ्रेंड लोगों ने, कुछ सब्सक्राइबर ने, कुछ हमारा कुछ चैनल का व्यूअर्स ने उन्होंने पूछा है कि आपके जो बाइक है बजाज प्लैटिना न्यू बाइक आपने लिया तो वो बाइक ठीक हुआ है या नहीं हुआ। मतलब मेरे जो बाइक है यहाँ पर सामने का जो चक्का है यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले में थोड़ा यहाँ पर जो कि जैम चल रहा है, सामने का व्हील थोड़ा जैम चल रहा है, तो जैम प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सर्विस सेंटर में काफ़ी बार गया, 3 टाइम भी हो चुका है लगभग, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर भी देखो भाई ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे भी नहीं है। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ वो लोग ऐसे ठीक कर दे रहा है, मतलब टेम्पोरली ठीक कर हो रहा है, मतलब परमानेंटली सोल्यूशन नहीं हो रहा। अगर होता तो शायद आज भी मेरे को ये वीडियो बनाना नहीं पड़ता, शायद पहले का वीडियो में यही बात मैंने बोला हूँ। लेकिन फिर भी मेरे को आज बहुत ही दुख के वजह से या बहुत ही कष्ट, मैं क्या बताऊँ, फिर भी बताना पड़ रहा है क्योंकि ठीक तो नहीं हुआ है भाई, क्यों नहीं बताएंगे। फिर भी मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ अभी मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया, बजाज कंपनी को कॉल किया, दो बार हो चुका है, 3 टाइम मैं और कॉल नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं इस बार जब भी मैं गया था बहुत ही अच्छे से वो इंजीनियर, वो जो सर्विस सेंटर का जो भी लोग था काफ़ी अच्छे से उन्होंने उनको उनके मन की बात मैंने समझ गया, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है वहाँ पर जब मैंने बताया, ठीक है, 3 टाइम सर्विस सेंटर में जाने के बाद एक ही प्रॉब्लम 3 बार मैंने जाने के बाद मैंने उन्होंने उसी मिस्त्री को मैंने बोला हूँ ये जो इसको बार बार ऐसा हो रहा है ऐसा करके दो तो मेरे को बार बार यहाँ पर ना आना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को बोला और मैंने भी पूछा उनको, एकदम बारीकी से उनको पूछा कि भाई इसका प्राइस कितना है, इस डिस्प्ले का प्राइस कितना है, आप बार बार ऐसे ही ठीक कर रहे हो, ये अगर टेरा है ये अगर बैंड है तो आपको ठीक करने से नहीं होगा भाई, आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप चेंज करेंगे, तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली नहीं बोला तो मैं समझ गया। तो उन्होंने उनका कहना ये है कि ये अगर लोहे का चीज़ अगर बैंड हो जाता है तो ये हमारा गलती नहीं है, और वैसे भी मतलब एक्चुअली गलती की बात नहीं है, वो वारंटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये अगर बैंड है, अगर देखिए न्यू बाइक अगर वो अगर टेरा भी दे देता है लेकिन मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अगर सर्विस अगर शोरूम से मैं लेके आ जाता हूँ तो भाई कस्टमर को ये धोना पड़ेगा कस्टमर को धोना पड़ेगा भाई। जैसे मेरे के साथ ऐसा हो रहा है कि मैंने न्यू बाइक लिया हूँ भाई, न्यू बाइक, लेकिन उसके बाद यहाँ पर टेरा कैसे हो गया भाई, टेरा पता नहीं गाइस। तो जो भी है देखो अभी सिचुएशन ऐसा हो चुका है, मेरे को ये एक नहीं तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर उन्होंने बता दिया कि भाई डिस्प्ले जो कि है वो अगर आप वारंटी के अंदर नहीं आता है कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ मतलब टूट जाता है तोड़ जाता है बाइक का तो वारंटी के अंदर नहीं आता है, इंश्योरेंस के अंदर आता है, लेकिन इंश्योरेंस तो ये छोटे मोटे चीज़, हाँ छोटे मोटे चीज़ आप क्लेम करने जाओगे फिर आपको एक बार मतलब बहुत चीज़ का डॉक्यूमेंट्स का भी ज़रूरत है अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस नहीं होगा, इंश्योरेंस हो सकता है। तो वही जो कि बात एक बात इंश्योरेंस हो सकता है, अभी एक चीज़ के लिए इंश्योरेंस क्लेम करना काफ़ी मतलब थोड़ा टाइट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब उनको जाना पड़ेगा फिर आना पड़ेगा भाई, क्या बताओ भाई, ये बहुत ही मतलब हेडेक का काम है। अभी देखता हूँ बताऊँगा इंश्योरेंस क्लेम के बारे में कि ये शायद बैंड पकड़ा है तो मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइंड एक्चुअली क्या ना मेरे को, मैं कभी भी ये बाइक या गाड़ी के टाइम पे ये फर्स्ट टाइम हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली इंश्योरेंस भी कैसे क्लेम करता है, ऐसा ही इंश्योरेंस बोल के भी कैसे कुछ होता है कि नहीं वो भी मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं ऑनलाइन पे सर्च करते करते और यूट्यूब में देख के सब कुछ सीखा हूँ कि ऐसे भी भाई क्लेम होता है, एक्सीडेंट वगैरह जब भी होता है तो ये तो सब अगर इंश्योरेंस रहता है तो उस सिचुएशन में कुछ आपको मिलता है, तो यही मेरे को जानकारी मिला है। तो अभी मेरे को बात करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं होता है तो मैं सर्विस सेंटर में गया था, सर्विस सेंटर में जाने के बाद मेरा प्रॉब्लम उसी टाइम पे जहाँ जब तक वो ठीक कर रहा था उसी टाइम पे सोल्यूशन हो रहा था। मतलब उन्होंने क्या किया, टोटल ये जो शू है ये शू इसको ओपन किया, शू को थोड़ा सीरीज जो कागज़ होता है उसमें थोड़ा घस दिया, और घसने के बाद यहाँ पर काफ़ी ढीला हो चुका है, चाका इजीली घूम रहा था, जैम छोड़ दिया था। फिर 2-3 दिन जैसे मैंने चलाया उसके बाद फिर से वही जो प्रॉब्लम, जैसे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ तब भी आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये हवा भरने का जो जगह है, देखो यहाँ पर बार बार रुकेगा, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मैंने घुमा दिया, ठीक है, तो देखिए ये अटक गया, ठीक है, ईजिली देखो अटक से यहाँ पर जाम हो जाता है, तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये बार बार एक ही जगह पर रुक रहा है,
देखो दो बार घुमाया, दो बार भी यहाँ पर रुक रहा है, तो यही हो रहा है, थोड़ा हल्का सा यहाँ पर जाम हो रहा है, और यहाँ पर जैसे जा रहा है थोड़ा हल्का सा कटस कटस करके आवाज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम अभी तक भी वही प्रॉब्लम है, मतलब और मेरे को ऐसा लगता है ABS सिस्टम बाइक में ऐसा कुछ सिस्टम है, अगर शू में थोड़ा अगर गैप होगा तो ये ऑटोमेटिकली वो ना गैप वो मेकअप कर लेता है, अगर मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ABS सिस्टम ब्रेक में ऐसा कोई सिस्टम होगा शायद कि यहाँ पर अगर डिस्प्लेट में अगर थोड़ा गैप है तो ये ऑटोमेटिकली वो मेजरमेंट करके वो ठीक कर लेता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने जब मैंने सर्विस सेंटर में गया था वहाँ पर थोड़ा लूज था, ब्रेक भी लूज था, लेकिन दो तीन बार दो तीन दिन चलाने के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक थोड़ा हल्का सा टाइट हो गया और वही जो जाम वही एक जगह पर अटक रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है वो ABS सिस्टम बाइक में ऐसा होगा शायद, वैसे भी मैं पूरा कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन मेरा कैलकुलेशन ऐसा कह रहा है, ठीक है भाई। ये है बजाज प्लाटिना ABS 110 का न्यू न्यू बाइक। अभी तो गाइस अभी के टाइम पे तो वो E20 जो बाइक है ना, E20 बाइक वो भी तो अभी निकल गया है, आप देखेंगे पेट्रोल के जगह पे वहाँ पर E20 लिखा रहता है, तो वो भी बाइक अभी के टाइम पे निकल चुका है। अभी इसी बाइक को फिर से अपडेट किया गया है, ठीक है, इसी बाइक को फिर से अपडेट किया गया है। अगर आप न्यू लेंगे तो आप E20 बाइक को लेना, ठीक है। वैसे तो देखिए बाइक ख़राब नहीं है, बाइक अच्छा बाइक है, मतलब सर्विस माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज काफ़ी अच्छा है, और अभी के टाइम पे E20 बाइक निकल गया है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। और ABS सिस्टम बाइक है, सच कहो तो यार ऐसा सिस्टम जो कि दूसरा बाइक में शायद आपको कम देखने को मिलेगा। और वैसे भी अगर आप चाहते हो थोड़ा मजबूती की, अगर आपको बाइक थोड़ा मजबूत आपको चाहिए तो आप इसको ना लें, क्योंकि मजबूत की अगर बात करें तो आप यहाँ पर सामने का नाट देखिए, यहाँ पर आप सामने का नाट देख सकते हो, यहाँ पर देखिए सामने का नाट, चार नाट यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो नाट आप देख रहे हो, आप हैंडल का ये नाट है, ठीक है, आप दूसरा बाइक में नाट आप देखना, दूसरा बाइक में इसका नाट कैसा है आप दूसरा बाइक में देखना। और वैसे भी ये जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो छोटा छोटा करके यहाँ पर जो भी नाट यहाँ पर दिया गया है, दूसरा बाइक में आप देखना, अगर मजबूती की अगर बात करें, ठीक है, तब भी आपको पता चलेगा कि ये जो नाट का जो देख के ही आपको पता चलेगा दूसरा बाइक में दूसरा कंपनी कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा नाट देता है और ये बजाज प्लाटिना बाइक कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा नाट देता है, तब भी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो देखिए दाम के हिसाब से प्राइस के हिसाब से सही है, जो भी है ठीक है, ठीक है, और माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन भी काफ़ी सारा ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, 5 गियर, और इसके साथ आपको जो कि ABS ब्रेक सिस्टम मिल जाता है, और क्या चाहिए भाई, और कॉम्फेंट भी है, कोई भी आदमी काफ़ी आसानी से इसको चला भी सकता है, और मतलब लॉन्ग ड्राइव से, मतलब अगर आपको आपके इलाका के अंदर आप चलाते हो तो भाई सही है एकदम, लेकिन बहुत ही आपको लॉन्ग आपको हर टाइम आपको लॉन्ग आपको सफारी करना है तो आपको बुलेट वगैरह ले सकते हो। और वैसे भी ये अपना अपना चॉइस है, अपना अपना सिचुएशन निर्भर करता है बाइक के लेने के, और प्राइस के ऊपर निर्भर करता है, आपके पास कितना बजट भी है वो भी निर्भर करता है, आप किस टाइप का बाइक आप चाहते हो वो भी निर्भर करता है, ठीक है, ओके, अपना अपना चॉइस है भाई, जो भी है। अभी तो मेरा बाइक अभी सिस्टम वो ठीक नहीं हुआ है, मैं ठीक करूँगा, और मेरे पैसे मेरे को अभी पता चल गया है कि मेरे जेब से पैसे से ही ये ठीक होगा, तो देखता हूँ अभी इंश्योरेंस के बारे में भी बात करूँगा शोरूम वालों से जहाँ से लिया हो वो अगर इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा करता है सपोर्ट तो देखता हूँ, अगर हो भी जाता है, ठीक है, ओके गाइस थैंक यू, टाटा गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए मस्त रहिए, और मेरे जैसा गलती ना कीजिएगा, जब भी बाइक लेते हो एकदम अच्छे से चेकआउट करने के बाद ही लीजिए, और अच्छा शोरूम से और अच्छा दुकान से लेने का कोशिश कीजिए, अपने इलाके के आसपास लेने का कोशिश कीजिए, ओके टाटा गुड बाय।